हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस। और हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो शुरू करा था सीरीज़ उसकी, तो उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9.1 9.2 कर चुके हैं। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, तो ये अच्छी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत सुंदर सी। जी पी इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स। सबसे पहला पॉइंट कि जी पी के टर्म्स नॉन ज़ीरो होंगे। ईच ऑफ सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रिसाइडिंग देन टर्म मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट। किसी कॉन्स्टेंट टर्म की हमेशा मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट। अब वो कॉन्स्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। दस इन अ जी पी द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। देखो रेशियो आ रहा है एक चीज टर्म, इसे ध्यान रखेंगे। दिस कॉन्स्टेंट इज अ फैक्टर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। हमने एपी के अंदर देखा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ है कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म बाय इमीडिएटली प्रीवियस टर्म। डेफिनेशन बहुत टिपिकल सी है ना, लेकिन डेफिनेशन पे मत जाओ, बड़ा आसान है। क्या कि अगर कोई टर्म है ए, उसमें आर की मल्टीप्लाई हुई ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3, और इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये जी पी है, इसमें भी नहीं समझ आ रहा है तो देखें, 2 फिर 2 में मल्टीप्लाई करी 2 की तो 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई करी तो 8, फिर 2 की मल्टीप्लाई करी 16 एंड सो ऑन। हर बार क्या हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, हर बार 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और अब क्या करें, ये जो ये लाइन थी ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म प्रीवियस टर्म, तो आप क्या करो, 4 को डिवाइड करो 2 से, सेकंड से फर्स्ट को, तो देखो 2 आएगा। 8 से 4 को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉमन रेशियो। इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम कॉमन रेशियो। तो हमारा जी पी कैसा होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 3 एंड इस तरीके से चलते हुए ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक। ए आर की पावर एन माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहली टर्म में R नहीं है, nth टर्म में R की पावर 1 कम हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं क्या बोलूँगा A1, इसको क्या बोलूँगा A2, A3। देखो जब A1 है तो यहाँ पे R नहीं है, A2 है तो R 1 पावर है, A3 है तो R की पावर 2 है, तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा An। तो जनरल टर्म क्या होता है हमारा, nth टर्म Tn बराबर A R की पावर n माइनस 1। ये तो जनरल टर्म हो गया। अब सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, Sn बराबर क्या लिखते हैं हम, Sn बराबर लिखते हैं हम ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां पर R 1 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसे बुक्स में आपको दो फॉर्मूले भी दिखते हैं, इसके कैसे दिखते हैं, Sn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, यहाँ लिखा रहता है आर इज ग्रेटर देन 1। फिर लिखा रहता है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जहाँ पे आर इज लेस देन 1, आर इज लेस देन 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमें बुक्स में मिलते हैं। एक और है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, देखो अगर मैंने इसके सम करने शुरू कर दिए कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, तो अगली टर्म और बड़ी होगी, तो इसका तो मैं सम नहीं निकाल सकता, तो इस पर एक कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है कि आर को 0 से 1 के बीच में होना होगा, 0 से 1 क्या, माइनस 1 से 1 के बीच में। आर को कहाँ से कहाँ होना होगा, माइनस 1 से 1 के बीच में, बस 0 नहीं होगा, आर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो था जीपी का वैसा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एक देखा जनरल टर्म, देखा सम ऑफ फाइनाइट एन टर्म्स और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे आर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ये है जीपी का इंट्रोडक्शन। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर आप किसी भी जीपी में आप अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी एक जीपी ही होगा। जैसे 2
फोर एट सिक्सटीन, आपने क्या करा इसमें टू की मल्टीप्लाई कर दी, क्या करा टू की मल्टीप्लाई कर दी पूरी सीक्वेंस में, तो ये क्या बन जाएगा फोर एट सिक्सटीन, फिर अगला टर्म जो भी होगा 32, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी क्या है जीपी है, आप इसको टू से डिवाइड करके देखो तो वन टू है ना, वन टू यहाँ फोर यहाँ एट, तो ये भी एक जीपी है। तो आप एक सीक्वेंस को कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप किसी भी जीपी को अगर डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो वो भी एक रिजल्टिंग जीपी होगा। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अगर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी अगर हमें कभी भी माननी होंगी तो हम हमेशा क्या मानेंगे, ए, क्या मानेंगे ए ए आर और पीछे की तरफ ए बाय आर। अगर चार टर्म माननी होंगी तो ए आर, ए आर की पावर थ्री, ए बाय आर और ए बाय आर की पावर थ्री, ठीक है, ये आपको मान्य होंगे। और अगर कोई भी तीन टर्म जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, जैसा अगर मैंने कहा कि टू फोर एट आर इन जीपी, बिल्कुल जीपी में है, तो आप बीच वाले का अगर स्क्वायर करते हो और साइड वाले दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के दोनों 16 होगा, है ना, सॉरी क्या होगा 16, एट टू जा 16। फिर उसके बाद इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अगर आप किसी भी जीपी के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट स्टार्टिंग से आपने पांचवी टर्म और लास्ट से पांचवी टर्म की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से पांचवा लिया फिफ्थ और लास्ट से फिफ्थ लिया, या आपने स्टार्टिंग से सिक्स्थ लिया और लास्ट से सिक्स्थ लिया, तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी या इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो सेम आएगी, कैसे आएगी सेम आएगी, और वो हमेशा किसके इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के। फिर ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज टू द सेम पावर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो ए जीपी, ठीक है। अगर पावर बढ़ा दोगे सेम तो भी हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो एक जीपी ही होगा, ठीक है। बाकी जितनी भी हमारे को प्रॉपर्टीज दिख रही है, जैसे ए वन ए टू ए थ्री ए एन इज ए जीपी, तो अगर हम log a1, log a2, log an की बात करेंगे तो वो एक ap बन जाएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा एक ap बन जाएगा अगर हमने इनका log ले लिया। और उसके बाद a1, a2, a3, b1, b2 अगर दो gp हैं तो इनकी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, अगर दो gps की आप मल्टीप्लाई उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो रिजल्टिंग आएगा वो भी क्या बन जाएगा एक gp ही बनेगा। जैसे आप एक ले सकते हो एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, एक gp आपने ये ली, एक 3, 9, 27 और 81, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, 2 into 3, 6, 4 into 9, 36, 8 into 27, 216, देखो ये भी एक जीपी है। आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई करी तो भी आपको एक जीपी मिली, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी आपको एक जीपी मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जीपी की। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जीपी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छी लगे तो कमेंट भी करिए, और अच्छी लगे ज़्यादा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताइए कि हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, थैंक यू।